अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियोज़। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ। सो गाइज, आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं, इस वीडियो का नाम है नदीम अब्बास खान बोले सारा पाकिस्तान नेशनल सॉन्ग ऑफिशियल वीडियोज़। सो इस वीडियो के लिए मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप इस वीडियो पर रिएक्ट कीजिए। तकरीबन 5 से 6 लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ भाई आपने इस वीडियो पर रिएक्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैंने पिछले 2-3 सॉन्ग्स पे पाकिस्तानी आर्मी और एक शायद और कोई वीडियोज़ थी उस पर हमने रिएक्ट किया था। तो आज हम इस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे। चलते हैं वीडियो की तरफ विदाउट द वेस्टिंग टाइम, लेट्स गो। ये मुल्क मोहम्मद और अली के हाथों से बना है, जिना के कदमों पे चलते हुए ये मुल्क चला है। पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, कलमा अपने खून में शामिल, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान बोले सारा पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, कलमा अपने खून में शामिल, धड़कन पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, बोले सारा पाकिस्तान, जीवे जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान। क्या बात है, जी वाला पीर
बोले सारा पाकिस्तान, सर सगा गा गरे गरे माम माम गम गा पापा पा पाकिस्तान, सर सगा गा गरे गरे माम माम गम गा पापा पा पाकिस्तान। ये धरती इश्क की धरती है, यहाँ पर हीर और रांझा, जब तक ये दुनिया रहेगी फिजाओं में ये नारा गूंजता रहेगा, पाकिस्तान ही शानदार वीडियोस थी, बहुत अच्छी लगी मुझे वीडियो। वीडियो के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले मैं बात करूंगा नदीम अब्बास खान साहब के बारे में, क्योंकि इन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस गाने को लाइक गाया है, और जो कि बोल जो इसके थे बोले सारा पाकिस्तान, वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और दूसरी चीज़ ये कि नदीम अब्बास साहब की बड़ी सुरीली आवाज़ थी और स्मूथ आवाज़ थी, बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे, और उस आवाज़ के साथ जब इन्होंने गाना शुरू किया है तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। एंड एक जगह जो सरगम आई थी मुझे, मैं बहुत वहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा वो, जो एक सरगम के साथ उन्होंने कहा था सारे गामा पाकिस्तान, तो वो मुझे एक नया लगा कुछ। दूसरी चीज़ की मतलब इसमें यहाँ पाकिस्तान के कल्चर्स को दिखाया गया है इस वीडियो में, एंड वहाँ के मज़ार्स को दिखाया गया है, जैसे कुछ नाम थे मुझे याद आ रहे हैं कि शहबाज कलंदर एंड इमाम बरी और बुल्ले शाह, और एक चीज़ थी गुरुद्वारे की कोई एक मतलब वहाँ पे मज़ार थी वो दिखाया उन्होंने, तो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसके साथ साथ वहाँ पर लव स्टोरीज़ को भी दिखाया गया, लव स्टोरी के जैसे मुझे पता है बस एक के बारे में, हीर राजा के बारे में पता है, बाकी बहुत दो तीन चार नाम लिए उन्होंने, तो ये सारी चीज़ें दिखाई उन्होंने। बोल की तो बोल बहुत शानदार थे, आवाज़ बहुत शानदार थी, और सबसे खूबसूरत मुझे ये लगा कि उन्होंने जो सारी चीज़ें बात जो की है, वो सारी जो बात बताई है एक सरगम के साथ एक सॉन्ग के साथ, वो बड़ी खूबसूरत थी। एंड गाइस मुझे एक चीज़ थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता कि क्या वो बताना चाहता उन्होंने, कि जो फर्स्ट लाइन में शुरुआत जब भी सॉन्ग होती है तो उस टाइम उन्होंने बोला था कि मोहम्मद और अली, तो वो चीज़ मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, अगर आप कोशिश कीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या था उसका मतलब। बाकी चीज़ें तो चले समझ में आती है, वो पुराने लोग थे और दरगाह के बारे में और कंट्री की तारीफ़ के बारे में जो बात उन्होंने की, तो वो सब चीज़ें मुझे समझ में आई, बस एक चीज़ वही चीज़ नहीं समझ में आई, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड सो गाइस वीडियो आज के लिए बस यहीं तक, पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।